Hi, Raghu, over here on your right side, this side, right side, yeah. Congratulations, you're simply amazing. And congratulations to the entire family, you know, like Lahiri family. I just want you to know, like, you are a replica of your, you know, Nadu. Yeah, मतलब हमको उनकी याद पूरी दिलाती है. कभी मॉम से या डैड से कहा था कि उनकी जो एक स्टाइल थी एंड यू नो वो थोड़ा जो ज्वेलरी पहनते थे. अभी यू आर टू स्मॉल एक्चुअली, बट कभी उनकी ज्वेलरी वाली स्टाइल या यू हैव ऐसा कुछ सोचा है या मॉम डैड से आपने कहा है कि यू विल बी ऑल्सो एक स्टाइल अपनी मेंटेन करोगे ना, वे यू हैव दैट लुक वे योर दादू यूज्ड टू ऑलवेज, लाइक ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम एल्विस, या एल्विस प्रेसली, या तो कुछ उस तरह से अपना एक लुक पर आप कुछ वर्कआउट करने के लिए कुछ बात हुई या योर मॉम एंड डैड वुड लाइक टू आंसर ऑन दैट. So my dress code, like, I want to be like Dadu only, like how he used to dress up. He used to wear his chains, his flashy clothes and his goggles, his glasses, his shoes. So I just want to, like the dress code which my Dadu used to wear, I just want to be like him and to make a name like him around the world and to keep the legacy forward and to work hard. Actually, I'll add. सोना पहनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, और सोना कमाने के लिए तो अब तो ये शुरुआत है, खुद के बलबूते पे काम करके, मेहनत करके, सोना डायमंड जो पहनना है पहनेगा, राइट? एक के बाद एक सोने का चेन ऐड भी होगा. मेरा सवाल राजपाल जी से है, इधर सर. सर आज आप देखते हैं जो छोटे से बच्चे हैं, मैं तो यहाँ तक देखता हूँ बड़ी मुश्किल से 3-4 साल के बच्चे होंगे, उनको भी माँ बाप चाहते हैं कि वो सुनील शेट्टी बन जाए, राजपाल जी बन जाए, शाहरुख खान बन जाए. जो बचपन से एक प्रेशर आ रहा है सोशल मीडिया के कारण, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बेसिक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है ये, और इसके जवाब भी बड़ा मुश्किल है देना, लेकिन अगर ये छोटे बच्चे हैं तो हम सब बड़े बच्चे हैं. वी आर लकीस्ट पीपल इन दिस अर्थ, कि हम लोगों ने 3 जनरेशन का पिछले 20 साल में, क्योंकि हमने अब चिट्ठी पत्री का भी ज़माना देखा, उसके बाद में हमने पेजर का भी ज़माना देखा, उसके बाद मोबाइल का भी ज़माना देखा, और उसके बाद सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दिस होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज. उसमें करोड़ों साइट्स हैं. चुनाव बहुत ज़रूरी है, और हर आदमी ये आज की, जैसे अन्ना से बात हो रही कि स्टार्टअप का ज़माना है, और स्टार्टअप में सबको स्टार्ट करना है और सबको दौड़ना है इस रेस में, लेकिन आपको चुनाव बहुत ज़रूरी है कि आपको सिलेक्ट क्या करना है, और उस सिलेक्शन में आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितने पैशनेट हैं, कितने आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्वालिटी है. मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब आगे बढ़ें, खूब सब सफल हों, रेगो खूब सफल हों, लेकिन इनको जो भी सफलता मिले उसको पचाने की शक्ति ज़रूर मिले, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि जितने साधक होते हैं उतने ही फिर आगे पीछे बाधक हो जाते हैं. तो साधकों और बाधकों के बीच बैलेंस बना के चलिए, और जितना भी अच्छे मन से प्योरिटी के साथ कर पाइए करते जाइए, और बाकी चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता करने के चक्कर में प्रेशर ज़्यादा होता है. कोई भी बैट्समैन हो, कल सेंचुरी मारी है, आज सुबह से पहली बॉल से उसका एग्ज़ाम है, तो एवरी डे इज़ वर्किंग डे, एवरी डे इज़ बिगिनिंग डे, एवरी डे इज़ न्यू डे. हर न्यू डे का ऐसे स्वागत करिए जैसे आप बच्चे ही हों. सुनील शेट्टी सर से मेरा सवाल है. सर, एक वक्त हुआ करता था, हर माँ बाप चाहता था मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग है ना, बड़े पर्दे पर या टेलीविजन कहें या मोबाइल कहें, उसके ऊपर काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं. हर कोई चाहता है मेरा बच्चा स्टार बने, कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जुड़े, एक्टिंग से जुड़े, ग्लैमर से जुड़े. आपको लगता नहीं क्या, जो देश की तरक्की है, जहां हमको डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट पैदा करना है, मोड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं विजन घूम रहा है हमारा? बिल्कुल नहीं सर. स्टार्टअप की दुनिया है, टेक की दुनिया है, साइंस की दुनिया, और उसी तरह लोग बढ़ रहे हैं. आप क्योंकि इस इंडस्ट्री से जुड़े, आपको सब एक्टर्स और सिंगर और डांसर ही दिख रहे हैं, लेकिन मैं जब दुनिया घूमता हूँ तो मुझे यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मुझे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और जिससे लोग खुश होते हैं. माँ बाप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बच्चा क्या चाहता है ये जानना बहुत ज़रूरी है. एक बार हम जान लिए कि बच्चा क्या चाहता है और उसकी खुशी पर हम ध्यान दें और उसे एनकरेज करें, तो वैसे ही रहना चाहिए. पहली बात तो हम माँ बाप को सोचना बंद कर देना चाहिए कि मेरा बेटा या बेटी क्या चाहता है, को क्या बनना चाहिए. उन्हें ये देखना चाहिए कि मेरा बेटा और बेटी चाहते क्या है, खुश कैसे रहेंगे,
एक दूसरे को साथ लेकर कैसे चलेंगे. तो आई थिंक ऑल प्रोफेशनल्स आर गुड, ऑल प्रोफेशंस आर गुड, एंड आई थिंक भारत वो प्रोग्रेस कर रहा है, हर डिपार्टमेंट में वो प्रोग्रेस हो रहा है. शायद पिछले डेकेड में जितना प्रोग्रेस दुनिया ने नहीं किया है, भारत ने हर क्षेत्र में किया हुआ है. और हर छोटा जो काम, जो पहले लोग छोटा ब्ला 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 कहते थे, वो आज ब्ला 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 नहीं रहा, वो एक प्रोफेशन बना हुआ है. घर चलाना सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट रखना सबसे इम्पोर्टेंट. आई थिंक द वे इंडिया इज मूविंग बहुत ही खूबसूरत है, एंड आई विल ओनली विश इट इवन मोर पेस. राजपाल जी, जैसे आपने कहा था कि हर एक में एक बच्चा होता है, और आपने भी बच्चे की बात ही की, यू नो, जब तक अपना दिल जवान है हम बच्चे ही है, यू नो. कल इलू इलू वाला दिन है, एक्चुअली वैलेंटाइन डे है, आज भी उस पर कितना आप यकीन मतलब मनाते हो? अन्ना, आपसे भी जानना चाहेंगे, हूएवर वांट्स टू नो. मैं तो चाहता हूँ कि प्यार बरसता रहे, चाहे माँ बाप हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जिनके बच्चे बूढ़े नौजवान, सबके बीच में हर दिन जो है वैलेंटाइन डे हो, 365 दिन वैलेंटाइन डे हो, और उसमें एक दूसरे को रोज़ हक करें, रोज़ विश करें, जैसा अन्ना ने बोला कि बगैर किसी प्रेशर के, क्योंकि एवरी डे लर्निंग डे, हम भी रोज़ सीख रहे हैं, हम भी अपग्रेड होने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमें ये लगता है कि उसमें बोलते ना कि आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी है. जो भी आपका कॉन्फिडेंट है, जो भी आप कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, हार्ड वर्क से करते हैं, लेकिन लव हर चीज़ में विद्यमान रहे. लव बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है कि सबको आगे बढ़ना है. इसमें प्रेशर मुक्त होके प्यार के साथ जो काम करिए, सबका स्वागत करिए, और हर दिन प्यार बरसाइए, हर दिन प्यार बरसाइए. Yeah, because Valentine for me is not about a boy and a girl. Valentine is about somebody you love. It could be your pet. It could be your family. So Valentine, jaise Rajpal ne kaha, Valentine's Day celebrate karna bahut zaruri hai. Kahin na kahin hum bhool gaye pyar ka izhar bhi karna aur pyar ko celebrate karna. So I think it could be your love for your country. It could be love for a sport. But I think the whole meaning is ki kal se shuru kijiye aur agle Valentine tak वो प्यार बरकरार रखना, यू नो, दैट फॉर मी इज वैलेंटाइन, एंड दैट्स व्हाई यस आई डू बिलीव इन वैलेंटाइन, बट फॉर लव एंड नॉट फॉर जस्ट इन टू इंडिविजुअल्स, अ मैन और अ वुमन, एंड यू नो, अ कपल. गोविंद जी आपकी फिल्म आने वाली है, खूबसूरत प्रोडक्शन है, उसके अलावा क्या प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए इस बारे में. सूरत पड़ोसन आने वाली है, अभी मोस्टली अप्रैल में रिलीज करेंगे, रेडी हो गई है. तो उसके बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं भाई साहब? क्या प्रोजेक्ट है बेसिकली? मैम को मालूम है कि आपके पड़ोस में कौन है, वो पूछ रहे हैं. थोड़ा उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, और भी कोई प्रोजेक्ट है तो उसके बारे में बताइए थोड़ा. साल में 3 फिल्म बनाने का टारगेट है. अभी हम मार्च में या फरवरी एंड में एक दादा का पुराना पिक्चर था, मैं दीवान हूँ तेरा, उसको रिलीज करेंगे. उसके बाद अप्रैल में खूबसूरत पड़ोसन को रिलीज करेंगे. उसके बाद अप्रैल मार्च में एक और पिक्चर फ्लोर पे जाने वाली है. तो साल में 3 फिल्म बनाने का हमारा टारगेट है, वो पूरा करने की कोशिश भी करेंगे. कितना चुनौतीपूर्ण था, कितना इमोशनल था? ऑब्वियसली बचपन से पिताजी के साथ काम किया है, अरेंज किया है उनके लिए, वीडियोज किया है डैडी के साथ. आई थिंक मोस्ट ऑफ माय यू नो टाइम हैज ऑलवेज बीन विद डैड, यू नो, मैनेजिंग हिम, हिज वर्क. अभी वही बहुत आयरोनिक है कि अभी रिगो के साथ काम करना मतलब एक अलग ही एटमॉस्फेयर था. बट ऑब्वियसली बहुत मिस करते हैं डैडी को. उनके साथ उनका जो एक प्रेजेंस था बहुत इंपॉर्टेंट था. उनका ही इट वॉज हिज आइडिया एंड उनको ऐसे कुछ करना था, बिकॉज ही ऑलवेज लाइक्ड इंस्पायर्ड वेस्टर्न म्यूजिक, उनका ऑब्वियसली बहुत फेवरेट था, और वो चाहते थे कि रेगो भी ऐसे गाए, और ही हैज़ डन अ ग्रेट ग्रेट जॉब. बहुत ही अच्छा आजकल के एक्चुअली यू नो हम बचपन से, मैं 8-9 साल का था तब से हम लोग गाना गाए, शोज किए हैं. तब के टाइम डिफरेंट था. आजकल के बच्चे आई थिंक दे आर न्यू एज, न्यू जनरेशन, इनका हाइब्रिड है.
इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जैसे हैं ये लोग एक बार लगा दो चालू हो गए. हम लोग बहुत अलग टाइम के थे तो वी वर स्टिल लर्निंग एंड यू नो वर्किंग ऑन. बट आजकल के बच्चे इज़ वेरी फास्ट, यू नो दे लर्न फास्ट, दे क्विक, दे आर वेरी कैमरा फ्रेंडली, टॉक यू नो, सो आई मीन सोशल मीडिया का टाइम है, सो दे ऑल नो इट. ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा. थैंक यू सो मच. So I'll just add this. When he was born, his name was given Swastik Bansal. And मैं जब आया मैंने बोला, I mean ये hospital की कहानी है. मेरे डैडी भी थे, डैडी ने दिया था नाम Swastik Bansal. तो मैं यहाँ आया, मैंने बोला यार Swastik Bansal sounds very, पंडित जी बनाना है क्या इसको, तो सिंगर बनाना है. मैंने मुँह से निकला तो मैंने ये नाम रे से रेमा, गो से गोविंद, रेगो और बंसल का बी. So, मैंने इसका नाम तब रेगो रखा था. सो दैट्स व्हाट ही चोज एंड हैपेंड टू बी दैट आई सेड यू नो इसको रॉकस्टार बनाना है, इसको क्या लीलावती हॉस्पिटल में ये कॉन्वर्सेशन था रूम में, और फिर उसके बाद रेगो इसका नाम. बट इसका रियल नेम स्वास्तिक है, बट म्यूजिक एंड आर्टिस्ट परफॉर्मर प्रोफेशनल नेम इज रेगो. थैंक यू. रेगो हो चुका है. तो आज यू नो माई डैड मूवी इज रिलीजिंग दिस मार्च और दिस अप्रैल. उसके जो गाने उसको दो लाइन गा सकता हूँ. नोट देकर वोट लिया, जीता इलेक्शन नेता बना, सबको कुर्सी से घेरा दिया, सीएम के कुर्सी से चिपक गया. सेवा सेवा सेवा, जो करेगा पाएगा मेवा. सेवा सेवा सेवा, जो करेगा पाएगा मेवा.